हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे भारत के भू दृश्य के बारे में। भारत दिखता कैसा है, भारत की सतह कैसी है, जो अटैलिक भूगोलिक संरचना किस प्रकार की भारत की, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ही बनकर आते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अत्यंत विशाल माना जाता है। यहाँ पर जो चीजें पाई जाती हैं वो जटिलिक भौगोलिक संरचना की मिलती हैं। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के अंदर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय रेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इस मैप में देखोगे तो यहाँ से लेकर इस तरह से जो पूरा है ना, ये ठीक है पर्पल वाला, ये पूरा हिमालय रेंज के अंदर में आ जाता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो मुख्यतः दक्षिणी भाग है, वो पठारी क्षेत्र के अंदर में आता है। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा वी शेप में, ये पठारी क्षेत्र के अंदर में आता है, ये पठार होते हैं। चलिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आप सबके लिए पुट करना चाहूंगा, ये मैंने थर्ड क्लास में पढ़ा था, पठार और पहाड़ में क्या अंतर होता है, जो पर्वत होते हैं और पठार होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट को पता है, थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, कई बार बच्चे पूछ रहे थे सर पठार क्या होता है, तो पठारी क्षेत्र है दक्षिण वाला, और ऊपर का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो हिमालय रेंज, पूरा जो हिमालय की पठारी क्षेत्र है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसको हिमालय रेंज बोलते हैं, वो आ जाता है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो होगा हो गया, ये हिमालय रेंज हो गया, और ये नीचे वाला जो वी शेप में ना ऐसे करके, ये सारा पठारी क्षेत्र के अंदर में आ जाता है। उसके बाद आप बात करोगे तो मध्य और विस्तृत जो क्षेत्र है, इनके दोनों के मध्य ऊपर और नीचे बीच का जो पूरा ये पोर्शन बचता है ना, ये आपका जाता है उपजाऊ मैदानी क्षेत्र के अंदर में आता है, मैदानी भाग के अंदर में इसको काउंट किया जाता है। मैदानी भाग के अंदर में काउंट किया क्या क्यों किया जाता है, देखो मैदान के ऊपर में ही जो समतल भूमि होती है उसी के ऊपर में खेती संभव है। ऊपर में भी खेती होती है, नीचे में भी खेती होती है, पर अलग अलग तरह की चीजों की खेती होती है, हर क्षेत्र के अंदर में अलग तरह की विभिन्नताएं होती है उसके कारण से। पर जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ होने का रीजन भी है, रीजन इसका यह है कि ऊपर से जितनी भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, वो अपने साथ में जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, और उस मृदा के अंदर में ना बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से ये जो पूरा समतल भूमि में आकर जब मिट्टी रहती है ना, उसके कारण से मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाता है, इसके कारण से उसे उपजाऊ मैदानी भाग भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद लास्ट वाला जो ये नीला वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये नीला वाला पार्ट देख रहे हो, ये तटीय मैदान के तौर पर जाना जाता है। तटीय मैदान, यहाँ पे तटीय द्वीप समूह है, मैदान है, इसको इस तरीके से माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो भारत के नक्शे से भी समझा दिया, आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, मिट्टी और जंतुओं का देश के तौर पर भारत को माना जाता है। भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसको चार मुख्य सतहों के तौर पर बांटा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने इस मैप में पढ़ा ना, उसी को हम यहाँ पे बात करने वाले। चार मुख्य सतह, सतही क्या होता है, जैसे जो भी बैकग्राउंड है, आपके घर में रहते होगे तो जैसे देखो, मान लो किचन है, आपका किचन थोड़ा सा उठा हुआ है, तो रूम हल्का सा नीचे है, नीचे दबा हुआ है, तो किस तरह का आपका ना सतह है, फर्श किस तरह का है, सरफेस किस प्रकार का है, जमीन का आकार किस प्रकार का है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से चार होते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हो गया, हिमालय रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय रेंज वाला जो पूरा एरिया ना पर्पल वाला, ये हिमालय रेंज आ जाता है। दक्षिण का पठार क्षेत्र, जो दक्षिण का पठार क्षेत्र ये वाला जो ये वी शेप में ना, ये पीला लाइन वाला, तो ये वी शेप में पूरा हिमालय दक्षिण का पठारीय क्षेत्र आ जाता है। मध्यवर्ती मैदान, तो ये दोनों के बीच में जो ग्रीन और इसमें ये पूरा ग्रीन वाला ग्रीन फील्ड है ना, ये पूरा, तो ये मध्यवर्ती मैदान आ जाता है यहाँ पे। और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह की बात करोगे तो ये ब्लू वाली जो लाइन है ना, ऐसे वाली ये स्काई ब्लू वाली, ये पूरा तटवर्ती मैदान का आ जाता है। तो इस तरीके से चार पार्टों में भारत का जो सतही है उसको बांटा जाता है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। ऐसी नहीं कैसी बांट दिया उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ऐसा करके नहीं, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। भौगोलिक विशेषताएं कैसी है, जैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के यहाँ पे जो जमीन है वो समतल है, उपजाऊ भी है, समतल भी है। दिल्ली से जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तो जैसे ही कश्मीर की ओर जाते हैं, माता वैष्णो देवी के लिए जाते हो, ठीक है, तो ऊपर में देखोगे तो चढ़ाई वाला आ जाता है रास्ता, ठीक है, पहाड़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पूरा सीनरी चेंज हो जाता है। दिल्ली में घूमो आपको नॉर्मल समतल नजर आएगा, दूर दूर तक समतल कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे यहाँ पे, और जैसे ही आप दिल्ली से बाहर निकलते हो, आगे जाते हो, पंजाब से बाहर निकलते हो, तो आपको पहाड़ देखना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऊपर वाली भूमि है, वहीं पे आप नीचे की ओर आते हो तो आपको धीरे धीरे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ोगे तो आपको पठार देखने के लिए मिल जाएंगे, पहाड़ नहीं होंगे, पहाड़ का छोटा बेटा पठार, इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वही राजस्थान के आ जाते हो तो मरुस्थली भूमि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अलग अलग तरह के इनके डाइवर्सिटी है, तो उसके आधार पर यहाँ पे हम चार पार्ट में इसको बांटते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा आप सभी स्टूडेंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिटेल में इसको समझते हैं। पर यहाँ पे मैं एक सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा,
जो भी व्यूवर्स हैं अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल है हमारे द ई नब, जहाँ पे आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने करवा रखी है, जहाँ पे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी है। MHI 08 का भी वीडियो डाल रखा है हमने लास्ट 5 ईयर का। अगर आप एक वीडियो देखते हो उससे आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो जरूर देखें और रिस्पॉन्स जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नब इन्फो, जहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जहाँ से आप अपने जो भी एग्जाम की तैयारी है, किस तरीके से करना है, डेट क्या है, आपको सारा अपडेट वहाँ पे मिलता जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपको नोट्स चाहिए एमए हिस्ट्री के, तो आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर से या फिर क्वेरा से जाके ले सकते हो। दोनों जगह पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बस यही बोलूंगा एंड ऑफ द थिंग, ये जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूबल लगती है, कहीं भी लगता है कि आपने थोड़ा सा कुछ सीखा है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार का है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी दिखाया कि हिमालय रेंज के नाम से इसको पूरा जाना जाता है। ये पूरा उत्तर का जो है ना ये वाला हिस्सा हिमालय रेंज के तौर पर देखा जाता है, ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, हिमालय रेंज के तौर पे हिमालय रेंज को भी चार पार्टों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन से चार पार्ट है? तो पहला आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या होता है काराकोरमा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर की जो पर्वतीय श्रृंखला आती है वो इसके अंदर में आती है। और ये मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर में ये इसको हम डालते हैं। वृद्ध हिमालय क्षेत्र क्या होता है? यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके जो औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर की है, और जबकि इसकी चौड़ाई है 120 से लेकर 190 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वो नेपाल इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर में आती है, जिसको वृद्ध हिमालय हम कहते हैं। लघु हिमालय क्या होता है? तो इसकी औसतन चौड़ाई जो है वो 80 से 100 किलोमीटर की है, और सामान्यता जो ऊंचाई है इसकी 3700 से लेकर 4500 मीटर की है। और ये पीपर जाल, ठीक है, मसूरी, धोलाधार की जो पर्वत श्रृंखला है इसके भाग हैं, इसके पार्ट के अंदर में इसको हम काउंट करते हैं। और शिवालिक हिमालय की अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारा चौथा जाता है शिवालिक हिमालय, इसके अंदर में 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, 900 से 1200 किलोमीटर ऊंचा होता है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां आती हैं, जिसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में दून या फिर द्वार जिसे कहते हैं, और जिसको देहरादून और हरिद्वार के नाम से जाने जाते हैं, जिसको शिवालिक घाटियों के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसको शिवालिक घाटियां बोलते हैं। तो इस तरह से हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है उसको हम चार पार्ट में बांट कर स्टडी करते हैं। ठीक है, हिमालय को चार पार्ट में, ये बांटा किस आधार पर जाता है? तो इनकी आकार के आधार पर, कि क्या आकार है, किस तरह का आकार है। जैसे ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, जो बड़े बड़े पूरे एकदम अलग तरीके से दिखता है, जैसे इसको काराकोरमा, लद्दाख, जास्कर की पर्वत श्रृंखला के अंदर में उसको अलग कर देते हैं। दूसरा वृद्ध हिमालय, जो सबसे बड़े वाले मेजर वाले, तो उसके अंदर में क्या करते हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, किस तरह से हैं, सबसे बड़े वाले 120 किलोमीटर की चौड़ाई, 120 से लेकर 190 किलोमीटर की चौड़ाई की बात कर रहे हो। ठीक है, 120 मतलब समझ रहे हो दिल्ली का डबल। ठीक है, 50 किलोमीटर सीधा दिल्ली चल लो ना तो सीधा दिल्ली से बाहर चले जाते हो, तो यहाँ पे 120 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लघु हिमालय जो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो मसूरी, धोरातल इधर पड़ते हैं तो इस साइड में, और शिवालिक हिमालय जो देहरादून और इसके अंदर में, इसके एक तरह से द्वार के तौर पे देखा जाता है कि ये गेट है, छोटे छोटे गेट है इस तरह से बने हुए शिवालिक द्वार के तौर पे, जहां से एंट्री होती है, मेन एग्जिट होती है, एंट्री होती है, ये हम यहाँ पे मार्क कर चलते हैं। ठीक है, समझ में आता है, चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा आता है दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार के बारे में अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इस प्रकार के जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना की भूमि में है, और जो आकृति में त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति के ये पठार मिलते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक की है, और भारत में दक्षिणी के प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त हैं। तो दक्षिण के पठार है वो अलग अलग भागों में बटे हुए, कौन कौन से भागों में बटे हुए हैं, तो मालवा, बैतूल, बेहेलखंड, ठीक, बेहेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार, शिवालंग का पठार, हजारीबाग का पठार, और छोटा नागपुर का पठार, इस तरह से करके कई सारे भागों में बटे हुए हैं। ये किस हिसाब से बांटे गए, तो क्षेत्र के हिसाब से। जैसे नागपुर किधर पड़ रहा है, तो नागपुर का जो पठार पड़ा वो नागपुर का पठार कहलाया, तेलंगाना का जो पठार पड़ा तो तेलंगाना का पठार पड़ा कहलाया। तो जिस क्षेत्र के अंदर में है ना, वो उस क्षेत्र के नाम से उनको जाना गया। और जैसे हिमालय का है ना, वो क्षेत्र के हिसाब से नहीं बटा हुआ है, वो उनके आकार के हिसाब से बटा हुआ है। उनका आकार किस प्रकार का, उनका बनावट किस प्रकार के, मतलब जिस तरह से वो है, ठीक है, किस तरीके से दिखते हैं, उसके आधार पर उसको बांटा गया था। पर यहाँ पे पठार को क्षेत्र के हिसाब से कि किस क्षेत्र में पड़ता है, तो मालवा क्षेत्र में पड़ा, बैतूल क्षेत्र में पड़ा, बुंदेलखंड में पड़ा,
तो उसके हिसाब से यहाँ पे बांटा गया। ठीक है, समझ में आता है। अब अगर हम मध्यवर्ती मैदानों की बात करें तो भारत के जो मध्यवर्ती मैदान है जिसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के तौर पर भी जाना जाता है, इनको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के तौर पे क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे जो नदियां बहकर आती है ना, वो मेनली प्रमुख नदी के तौर पे सिंधु नदी जाती है एक साइड से, ठीक है, गंगा नदी ऐसे करते हुए बंगाल में गिरती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके गिरती है, तो ऐसे करके जो पूरा होता है ना ये तीनों नदियां, इसके कारण से तीनों नदियों के द्वारा ही ये मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि ऊपर से वो जलोढ़ मृदा लेकर आती है, ठीक है, मिट्टी बहाकर अपने साथ में बहुत सारे लेकर आती है और इस मैदान में वो ड्रॉप कर देती है। ठीक है, ड्रॉप करने के कारण क्या होता है कि वो मैदान का जो क्षेत्र होता है ना बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाता है, उसके कारण से इनको इन्हीं नदियों के नाम पर ये मैदानी क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, यह जो जल मैदान होता है वो जलोढ़ अवसादों का निर्माण निर्मित है, जो मैंने अभी आपको बताया जलोढ़ मृदा होती है उससे निर्मित है, जलोढ़ की निष्पक्ष गहराई तक मिलता है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर की सतह, अंदर खुदाई करोगे तो उसके अंदर में भी आपको पूरा गहराई तक देखने के लिए मिल जाता है। इन मैदानों में जो उचाव अधिकतम कम है, अधिक मतलब ऊंचाई ज्यादा नहीं है, बहुत कम उसकी नॉर्मल रहता है। ठीक है, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इस मैदान के चार भागों में बांटा जाता है। अब इनके अगर धरातल के हिसाब से देखोगे ना, धरातल के हिसाब से जमीनी स्तर के तौर पे कि किस हिसाब से, तो इसको भी चार पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पे आता है भावर प्रदेश, ठीक है, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश और खादर प्रदेश, ऐसा करके। तराई प्रदेश क्या होता है, जो नीचे वाला मतलब जमीन का जो नदी बह रही है ना, नदी के एकदम निचला वाला पार्ट होता है तराई, उसको तराई प्रदेश कहते हैं। तो इसी तरीके से चार पार्टों में से बांटते हैं, भावर, तराई, बागर और खादर, इस तरह से चार पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है मैदानी क्षेत्र को, मैदानी भाग को हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं तटवर्ती मैदान का। तटवर्ती मैदान का किस प्रकार का है, तो तटवर्ती मैदान की अगर आप बात करते हो तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग एवं पश्चिमी दिशा का जो दो सकरे तटीय मैदान मिलते हैं, दो सकरे और तटीय मैदान मिलते हैं, क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय कैसे, अब देखो इस तरीके से आप देखोगे भारत का नक्शा वी शेप में नीचे में आपको दिख जाता है, तो एक साइड वाला पूर्वी तटीय हो जाता है, दूसरा साइड वाला पश्चिमी तटीय हो जाता है, इस तरीके से ऐसा करके मिलते हैं, और ये नीचे वाला जो ऐसे आ रहा है ये आपका दक्षिणी हो जाता है। तो इस तरीके से जो मिलते हैं ना, ये दोनों क्षेत्र आपको पठारी मैदान के तौर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका निर्माण क्या है, तटीय क्षेत्र की बात करो, सॉरी पठारी नहीं, तटीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये ब्लू वाला जो हिस्सा ऊपर में मैंने आपको दिखाया था, इसकी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये हो गया पूर्वी पश्चिमी, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका तटवर्ती क्षेत्र आ जाता है। इसका निर्माण देखोगे तो सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। अब यहाँ पे जितने भी देखोगे ना, इन क्षेत्र में जाओगे तो आपको मस्त बीच बीच मिलेंगे, वहां पे मस्त सो सकते हो, धूप सनक्रीम लगाकर लेट सकते हो, इस तरह की सुविधा वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर में मेनली क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो सागर तटीय तरंगों के द्वारा होता है। ठीक है, तरंगे के मतलब वाइब्रेशन के नहीं, मतलब जो लहरें आती है ना, किस तरह से अपने साथ में रेत बहा के ला रही है, उसके जो उसके मतलब समुद्र के द्वारा इनका निर्माण होता है, समुद्र के कारण से इनका तटीय क्षेत्र के अंदर में ये आते हैं। ठीक है, और जो पठारी क्षेत्र होते हैं वो नदियों द्वारा अवसादों से जमा हुआ होता है, जबकि ये जो सागर तरंगी है वो सागर के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, पश्चिमी तटीय गुजरात की से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, पश्चिम का देखोगे तो यहाँ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा पश्चिमी तट आ जाता है आपका। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र के अंदर में, और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में ज्वारण, मुखदुन और लेगुन के प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी तटीय के अंदर में देखोगे तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा हुआ है, पूर्वी वाला जो इस साइड वाला ना ज्यादा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां आदि का डेल्टाई भाग यहाँ पे चौड़ा, अधिक ज्यादा चौड़ा बढ़ जाता है। इन साइड में प्रमुख नदियां ही बहती हैं, जिसमें महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये कुछ नदियां भी इधर बहती है, जिनका जो डेल्टा भाग होता है ना, मुख वाला भाग होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है। कम कटा छटा होने के कारण से पूर्वी तट जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है, ज्यादा कटा पटा नहीं है, तो उसके आंसर जैसे मतलब जो नॉर्मल निकलता है चीजें उसके हिसाब से यहाँ पे बंदरगाहों की कमी है, अगर ज्यादा उसमें कटाव होता तो बंदरगाह बहुत सारे बन सकते थे। कहीं कहीं पे लेनुन की निर्माण भी किया जाता है, लेनुनों का निर्माण भी करते हुए देखने के लिए मिल जाता है, उदाहरण के लिए चिल्का, कल्लूर और पुलिकट जैसी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेनुनों का निर्माण किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आगे ज्यादा इसको डीपली जाओगे तो यहाँ पे हम जलवायु और मृदा के बारे में समझते हैं। भारत की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो जलवायु, यहाँ के जो मौसम है वो भी यहाँ पे बनाती है, उसको अलग बनाती है बाकी कंट्री से, बाकी जगह से इसको खासियत प्रदान करती है, और यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, वो इसको अलग बनाती है, उसको प्राकृतिक रूप से संपन्न बनाती है। क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, जो जंगल है उनके बारे में बात करें तो भारत के अंदर में टोटल 6 तरह के जंगल पाए जाते हैं।
कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन क्या होता है? जहां पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जो वन होते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, ये मसालों के बगानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन क्या होता है? ये विशिष्ट मानसूनी वन होता है, जहां पे बारिश ज्यादा होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप तीसरे की बात करोगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपात वन, ये शुष्क पर्णपात वन क्या होता है? ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर में ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो रह सकते हैं, उसके कारण इसको शुष्क पर्णपाती वन के तौर पर भी जाना जाता है। कटीले वृक्ष एवं झाड़ियां, ठीक है, ये अत्यधिक अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ पे कटीले पेड़ वेड़ उग जाते हैं, बारिश नहीं भी हो ज्यादा तो भी ये चल जाते हैं, ठीक है, इस तरह के ये होते हैं, तो इसको मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर में मिलते हैं। तो भारत का जो पूरा मैप देखोगे ना, जहाँ पे ज्यादा वर्षा है तो वहाँ पे इस तरह का वन मिल रहा है, जहाँ पे कम वर्षा है तो वहाँ पे इस तरह का वन मिल रहा है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे बटी हुई है। पांचवा जो आता है पर्वतीय वन, जी ये उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन के जो वृक्ष वनस्पति होते हैं यहाँ मिलते हैं। पर्वतीय वन मतलब क्या? जो पर्वत पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, आप कश्मीर जाओगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के, दिल्ली के अंदर में अलग तरह के पेड़ मिलते हैं। दिल्ली में तो आप ना ऐसे किसी जंगल झाड़ में जाओगे तो आपको ज्यादातर बबूल के पेड़ मिलेंगे, मतलब 80% से भी ज्यादा ना बबूल के पेड़ मिलेंगे। हमारे घर के पास में पीछे पहले, मतलब कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले एक जंगल था, ठीक है, तो जंगल था, तो उस जंगल में क्या आता था, हमें लगता था जंगल है तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि मस्त उसमें आप घूम सकते हो, कर सकते हो, जंगल था उसमें सिर्फ कटीले वृक्ष ही लगे हुए थे, उसमें और कुछ था ही नहीं, ठीक है, जंगल पूरे जंगल में कटीले वृक्ष, एक घास भी प्रॉपर दिख नहीं रहा था कि कुछ अलग है। आप फिल्मों में देखते हो ना, जब वो जाता है वो गैरी बिल्स करके जो आदमी जो जाता है उसमें घूमता है, मस्त पकड़ कुछ खा पी रहा होता है, इस तरह से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे सारे कटीले वृक्ष और झाड़ियां ज्यादातर देखने के लिए मिलती है, सिर्फ रोडों के किनारे में अच्छे पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्वतीय वन मतलब जो पर्वत के ऊपर में उगते हैं। और ज्वारीय वन क्या होता है? ये डेल्टाई क्षेत्र के में उगते हैं और सदारहित वन होते हैं। डेल्टाई क्षेत्र होता है क्या? जो नदी का मुहाना होता है ना, ठीक है, जैसे नदी बह रही है तो ये मुहाना है नदी का, तो इस मुहाना के क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। तो इस जगह पर जो उगते हैं इसको ज्वारीय वन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप बात करोगे तो यहाँ पे भू दृश्य के हिसाब से जो जमीनी स्ट्रक्चर है ना, जमीनी स्ट्रक्चर को हमने समझा कि किस हिसाब से पर्वत है, पठार है, ये हमने समझा। अब मैदानी क्षेत्र को अगर आप डिफाइन करोगे कि किस किस तरह की मिट्टी है पूरे भारत के अंदर में, किस तरह की मिट्टी है, तब आप उस मिट्टी को समझ पाओगे, मृदा को समझ पाओगे कि कितने तरह की मृदा होती है। तो टोटल यहाँ पे 8 तरह की मृदा भारत के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी मृदा और किसकी क्या खासियत है, चलिए इसको भी समझते हैं। उससे पहले फिर वापस मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूअर्स से, अगर आपको वीडियो हमारी वैल्यूबल लग रही है तो एक बार आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से हम वर्क कर पाते हैं। हमारा कुछ गोल है कि हम 1 लाख के सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत टाइम हमने वेट किया इसके लिए, ठीक है, अभी हम 60,000 पे हो चुके हैं, हमारे जो दिन का परिवार है 60,000 पे पहुंच चुका है। तो आप एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके, और आपके एक एक सब्सक्राइब से हम इस गोल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो वैल्यूबल लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए यहाँ पे आगे समझते हैं और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जलोढ़ मृदा का, यहाँ पे मिट्टी के 8 प्रकार पाए जाते हैं। तो कौन सी मिट्टी होती है? सबसे पहली हमारी आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा होती क्या है? तो यह मिट्टी देश के 40% भाग में, ठीक है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र के अंदर में मिलता है, ठीक है। जो मिट्टी है ना जलोढ़ मृदा, ये जल में बहकर जो आती है जलोढ़ मृदा, ये 40% भाग के अंदर में 15 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र के अंदर में मिलता है। इसमें रेत, गाद, मृतिका और विभिन्न विभिन्न के अनुपात होते हैं, अलग अलग तरह की इसमें चीजें होती है। लाल मिट्टी की अगर बात करोगे तो सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले दशाओं के अंदर में प्राचीन क्रिस्टल शैलियों से निर्मित होती है, ठीक है। यह ऊंची भूमियों के बाजरा, मूंगफलियां और आलू जैसी खेती के लिए उपयोग होता है, जबकि निम्न भूमियों में ये चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की खेती के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करोगे तो तीसरा आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या होती है? ये अधिक जल वाले क्षेत्र में चूना, सिलिका आपस से घुलने के कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टी किससे बनती है? तो चूना या सिलिका के घुलने से, आपस में मिलाव से ये लेटराइट मिट्टी बनती है, ठीक है। जंगली एवं पर्णपाती मिट्टी की अगर बात करोगे, पर्वतीय मिट्टी की बात करोगे आप, तो ये जलवायु परिस्थितिक होती है। अब क्या होता है कि जैसे जल बारिश हुआ ज्यादा तो उसके कारण से ऊपर से बहकर आता है जो मिट्टी ना, ऊपर से बहकर आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये जंगली और पर्वतीय मिट्टी के तौर पर देखा जाता है। काली मिट्टी की अगर आप बात करोगे तो ये रेगर मिट्टी के या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, रेगर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है, ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी माना जाता है।
यह मिट्टी गीली होने के कारण से चिकनी हो जाती है और सूखने में इसमें दरार पड़ जाती है। जैसी गीली रहेगी ना तो पूरा एकदम चिकना रहेगा, इसको एकदम पैर रखोगे फंस जाओगे उसके अंदर में गड्ढे में, पर जैसे ही यह सूखेगा तो उसके बाद इसमें दरार पड़ जाता है। ठीक है, इसका देखोगे तो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी के तौर पर इसको देखा जाता है। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो बालू की मात्रा अत्यधिक होती है, इस मिट्टी के अंदर में बालू की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ये बाजार जो ये मतलब ये बाजरा और ज्वार ज्वार के जो मोटे अनाज होते हैं उसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर में सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा होती है, इसी कारण से ये क्षारीय खारी एवं क्षारीय होता है, मतलब हल्का सा खारा होता है, क्षारीय के तौर पर इसको देखा जाता है। ये खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं होता। लवणीय और क्षारीय जो मिट्टी होती है जिसके अंदर में लवण होता है, खट्टापन होता है, खारापन होता है, वो खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं होता, इसके अंदर में नमक की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप गीली और दलदलीय मिट्टी की बात करोगे तो इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र के अंदर में होता है, मतलब जहां पे बरसात ज्यादा होती है और कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण से होता है। जो इस तरह की इसकी कंडीशन होती है वो कार्बनिक तत्व के जमाव के कारण से होता है। मुख्यतः ये तटीय प्रदेश के अंदर में मिलता है जहां पे जल जमाव के कारण से ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आगे बात करो तो यहाँ पे आगे हम समझते हैं कि भारत के अंदर में जो मिट्टियों की समानता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की कमी होती है भारत की मिट्टियों के अंदर में, ये हमें समझ में आता है। अब देखो इस चैप्टर को जितना मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पूरा नहीं है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। मैंने बस आपको रफली ना आपके माइंड में चीजें क्लियर करी है भारत के मैप के साथ में कि भारत में है क्या। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि भारत का सतह किस प्रकार का है, आप सतह टच करके पता कर सकते हो ना कि ऊपर में अगर जाते हो तो हिमालय रेंज मिल जाता है, उसके नीचे में आपको पर्वतीय श्रृंखला मिल जाता है, उसके नीचे में आते हो आप तो पठार की श्रृंखला मिल जाता है, और उसके नीचे में जो तटीय मैदान होता है वो आपको मिल जाता है, समुद्री तटीय मैदान। तो इस तरीके से हमने पहले समझा, फिर हमने समझा हिमालय का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर में हिमालय को हम कितने भागों में बांटते हैं वो हमने पढ़ा डिटेल में। उसके बाद हमने देखा मध्यवर्ती तटवर्ती के अंदर में क्या क्या होता है, तटवर्ती के अंदर में कौन कौन से आते हैं, मध्यवर्ती मैदान के जो क्षेत्र है उनको चार भागों में कौन कौन से बांटते हैं, ये हमने समझ लिया। उसके बाद हमने बात किया यहाँ पे जलवायु मृदा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उसको किस हिसाब से बांटा जाता है, कौन कौन सी जगह पे क्या है, और इनमें जो है ना एक एक लाइन ही सिर्फ मैंने लिखा है, बट अगर आप अपने बुक में देखोगे तो अच्छा खासा पैरा लिखा हुआ है जहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आएगा कि क्या चीज कैसे है। बट इस चैप्टर से इस पीडीएफ से आपको एक ना माइंड में जो इमेज है ना वो क्लियर हो जाएगी कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज किस हिसाब से है और क्वेश्चन कैसे बनकर आने वाला है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें एंड ऑफ द वीडियो, हम क्वेश्चन की बात करें कि इस वीडियो के अंदर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन आता है भारत की जो भौगोलिक संरचना उसको डिफाइन करो, भारत की भौगोलिक संरचना है किस प्रकार का उसको डिफाइन करो, या हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार की है उसको डिफाइन करो। ठीक है, या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार का ये बताओ, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार का ये बताओ। तो इस तरह से करके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, भारत की मृदा के ऊपर बनता है, वनस्पति के ऊपर बनता है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझना है, नाम को याद रखना है, क्योंकि बाकी चीजें तो याद रहेंगी कि पहाड़ है ये है वो है, पर जो मेन है ना नाम वो याद रखना और जरूरी होता है। तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करोगे, एक दो बार बुक से पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स की जरूरत है तो डायरेक्ट आपको गूगल ब्लॉगर और क्वेरा पे जाना है, वहां से नोट्स आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में दोनों का लिंक है, वहां से जाइए इसको डाउनलोड कीजिए, वहां से स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अवेलेबल लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।